कुवा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कोवा मतलब कहवा, ऐसा कौन होगा भगवतस्तस्य जो उन भगवान के का क्या सकते हैं यश को नहीं सुनेगा, जिस यश को पुण्य श्लोके ढकर्मण अर्थात जिनका स्तवन पुण्य कर्मा लोग करते हैं, जो बहुत पुण्यात्मा है महान लोग हैं वह भगवान के यश का वर्णन करते हैं, या फिर वह भगवान जिनके कर्म स्तुति करने के योग्य हैं। पुण्य श्लोके इड्ढ मतलब होता है प्रार्थना, नौमिड्यते पुषे करके श्लोक आता था, इड्ढ मतलब होता है प्रार्थना। तो यानी कि जिनके कर्म स्तुति के योग्य हैं उनके भगवान के, उनके यश को कौन नहीं सुनना चाहेगा, मतलब सभी सुनना चाहेंगे, यदि सुनना चाहेगा यदि शुद्धि काम, अगर अपने हृदय की शुद्धि चाहता है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुनना नहीं चाहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों लिंक करिए पहले श्लोक से कि उनके नाम के अनचाहे उच्चारण के माध्यम से भी अनजाने में एक नाम उच्चारण से जीव मुक्त हो जाता है तो उनका यश कितना शक्तिशाली है। और कैसा यश है तो कह रहे हैं यशः कलि मलापहम, कली के मल का नाश करने वाला है। कली का मल कैसा होता है, रजगुण तमगुण से उत्पन्न काम और लोभ, यही मन का मल है। यह मन की चांचल्य, जो मन की चंचलता है वह भी मन का मल है, तो यह सब नष्ट हो जाएगा। और आप कली का मल क्या सोचते हो, झगड़ा, कले दोष में सबसे बड़ा झगड़ा, झगड़ा बहुत है, ईर्षा द्वेष तो है ही, बहुत झगड़ा चलते रहते, छोटी छोटी बात पे झगड़ा रहता है। तो व्यक्ति जो भगवान का यश सुनता है उसका मन एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। अब आप देखो ऐसे जैसे अभी हम इस रूम में बैठे हैं तो उसमें एसी लगा हुआ है, तो भले ही बाहर इतनी गर्मी है अब उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन एक रूम में तो ठंडा ला सकते हो। उसी प्रकार से दुनिया में सब जलते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, अपने हृदय में एसी चला सकते हो हरि कथा सुनकर, और तुरंत हम अनुभव करते हैं कि जब दुनिया की बात होती है उसको कान से सुनते हैं तो हृदय जलता है, और भगवान के बारे में सुनते हैं तो वी बिकम एनलाइवेंड। अभी अभी अच्छा लगता है और जैसे जैसे आप प्रेम मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो एनलाइवनिंग समझते हैं आप, एनलाइवनिंग का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, एनलाइवनिंग कहते हैं आपको मतलब संचारित कर देता है, एकदम चार्ज कर देता है भगवान का यश सुनकर, बड़े प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। जैसे प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय जी से जब हरि कथा सुनने जाते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, सेवक बोलता है अरे अभी शाम हो गई है, तो उसके इतना प्रसन्न होते हैं कि वो नाच अपना कपड़ा घुमा घुमा के नाचने लगते हैं, इतना प्रसन्न हो। तो ये जो कृष्ण कथा है ये केवल साधन मात्र नहीं है, ये साध्य है। किस प्रकार से महाप्रभु, आप देखो महाप्रभु रामानंद राय जी से चर्चा करते हैं तो पूरी रात बीत जाती है, फिर मंगल आरती चले जाते हैं, ऐसी करके स्थिति है। तो जितना हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही ये कथा कृष्ण कथा हरि कथा हमको बहुत संचारित कर देगी, एनलाइवन कर देगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कली मलापहन को मतलब संसार दुखोपशमनम, श्री रसिदेव स्वामी जी कहते हैं। और पुण्य श्लोकेढ्य कर्माणि का अर्थ कह रहे हैं स्तव्यानि कर्माणि यस्यः, जिनके कर्म जो है स्तवन के योग्य है। क्या भगवान कौन कौन से भगवान के कर्मों को हम लोग स्तुति में गाते हैं, दामोदर लीला तो गाते ही है, हिरण्यकश्यप को, यस हिरण रोज नरसिंह आरती में गाते हैं हिरण्यकश्यप को मारा, रोज हम लोग बोलते हैं उन्होंने मर्डर किया ना, क्या दलिता हिरण्यकश्यप तानुब्रिंग गागा के उसका मर्डर हुआ हर दिन गाते हैं हिरण्यकश्यप का मर्डर हुआ, और उसका मृदंग बोलता है धड़ 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 उसका फास्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किसी को बोलो उसने इसका मर्डर किया तो बुरा माना जाएगा, लेकिन भगवान ने अगर एक दैत्य का मर्डर किया, मर्डर नहीं वध किया, तो वह
गायन के योग हो जाता है। और कुछ भगवान के कार्य, हाँ माखन तस्कर, हाँ भगवान की माखन चोरी की लीला है, कोई किसी की चोरी की लीला को गाया जाता है क्या? अरे गाते हैं। और क्या, और कौन सी लीला आपको याद आ रही है? बहुत सारे नहीं, मंगलारती के अलावा भी ऐसे बहुत सारी लीला है भगवान की जो गाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि उनके इतने अच्छे कर्म है, इतने महान कर्म है, इतने दिव्य कर्म है कि उनको भक्त लोग गाते हैं। बहुत सारे भक्तों ने गाए हैं, पद गाए हुए हैं भगवान के, जिसमें भगवान के कर्मों को खूब क्या कह सकते, कविता बना बना के गाता है। माता यशोदा जब दही मथ रही थी तब भी कृष्ण के कर्मों को गा रही थी। साधारण इस प्रकार से गाया जाता है। और क्यों गाते हैं? क्योंकि हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। और कलिमल कलिमलापहम मतलब संसार का दुख, दुख हमने किस प्रकार से अनुभव करते हैं? शोक मोह और भय के रूप में। शोक होता है पुरानी वस्तुओं को सोचते हैं, अरे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। आज हमारे भक्त बोले प्रभु जी धोती कब मिलेगी? तो मैंने कहा कितनी धोती है? कहते चार। तो हमने कहा अरे भाई चार धोती है तो पांचवी क्यों चाहिए? भले ही तीन महीने में मिलती है लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए? तो आप देखो ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम जीवन में अभाव का अनुभव क्यों कर रहे हैं। अब बहुत सारी वस्तु में होते भी अभाव का अनुभव कर रहा है, ये अभाव नष्ट हो जाता है हरि कथा करके। जितना मन हरि कथा में लगेगा कहेगा एक धोती से भी काम चला लो। और तो हम एक धोती के लिए नहीं कह रहे, लेकिन तीन चार धोती में मतलब धोती मतलब जो भौतिक वस्तु है उसी को पाके संतुष्ट हो जाता है, ज्यादा उसमें किचकिच नहीं करता। और झगड़ा इसी के लिए होता है, किचकिच के लिए होता है। तो ये जो शोक मोह और भय है, और दूसरा मोह, हम ही शरीर है इस जगत के महान व्यक्ति बनना है, ये भी नष्ट हो जाता है मान कथा सुन करके। और भय मेरा क्या होगा, यह भी नष्ट होता है। ये तो साइड बेनिफिट है। बाकी भागवतम को सुनने मात्र से भक्ति बढ़ती है, तो एक आगे का फायदा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम देखते हैं। हाँ बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी पहले चीज बता रहे हैं कली का मल क्या है, और मल है क्वारल सम फीचर्स, झगड़ा, छोटी छोटी अठन्नी पे लड़ाई हो जाएगी, होता है ना। मैंने सुना है कोई 50 पैसे पे या 50 रुपए की वजह से लोग किसी को गोली मार देते हैं, ऐसा भी होता है। यह प्रभुपाद जी आगे एग्जाम्पल देते हैं दूसरे अध्याय में, आगे जाके पांचवें अध्याय में, कि चाइना और भारत का युद्ध हुआ, उस धरती के लिए इसमें कुछ नहीं उग सकता, और कितने लोग मर गए उसके ऊपर। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं बड़ा कोई मतलब नहीं है, युद्ध किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो खुद हृदय से असंतुष्ट है इसलिए युद्ध कर रहे हैं। ठीक है माइक पे बोलिए। जो कलयुग के पहले जो युग थे उनमें भी युद्ध होते थे और काफी, हाँ तो कलयुग में और अधिक होता है। देखिए जब सतयुग में तो कोई युद्ध ही नहीं करता, त्रेता में भी इतने युद्ध नहीं होते थे, लेकिन द्वापर से जैसे जैसे आप बढ़ता चला गया वैसे युद्ध होने की, युद्ध करने की प्रवृत्ति हो गई। और कलयुग में तो बहुत ही युद्ध हो रहा है भाई। युद्ध देखिए एक और समझ लेते, युद्ध का मतलब ये नहीं है कि गोली से चले है, मतामत होंगे बहुत। आपका मत ये है, कोई एक मत नहीं है कि भाई कृष्ण भगवान है कृष्ण की पूजा करो, ये भी नहीं मानते। अरे कैसे पूजा करो, चलो उस पर अलग 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 मत है, लेकिन किसकी पूजा करो उसी पे झगड़ा चल रहा है, झगड़े ज्यादा है। हाँ और वो कोई कंक्लूजन ही नहीं है क्योंकि किसी की श्रद्धा स्टैंडर्ड उस पर नहीं है कि भाई स्टैंडर्ड शास्त्र है जो हमको सही सही बात बता सकता है, लोग विश्वास नहीं रखना चाहते, तो झगड़ा फालतू का होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त लोग क्यों झगड़ा नहीं करते, बहुत सुंदर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त के पद पे हैं वह बहुत इकट्ठा करने के चक्कर की में नहीं रहते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। और ये हमने पहले भी चर्चा किया था कि जब व्यक्ति बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में रहेगा, इंद्र तृप्ति के चक्कर में रहेगा, तो वो झगड़ा जरूर करेगा। नहीं, जितनी आवश्यकता है अगर उस तरह से व्यक्ति जी ले तो झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तो लोभ की वजह से होता है कि नहीं, औरतों के कारण नहीं है। तो इस कारण से प्रभुपाद कह रहे, और एक कारण क्या है भक्तों का, क्योंकि भक्त लोग जानते हैं हम ना तो यहाँ के हैं और हमें ना पे यहाँ पे रहना है। जब तक इस शरीर में है भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है, हमें यहाँ पे बहुत बड़ा हीरो नहीं बनना। जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा और यहाँ इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहेगा, है कि नहीं। जो नाव डूबने वाली हो उसको उस बचाने का क्या मतलब है? ये नाव है ना शरीर रूपी नाव, वो तो डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है, तो उसको बहुत सजाने का बहुत आगे अपने क्या स्टेबल होने का क्या मतलब है? अभी तो भौतिक जगत में भौतिक जीवन में स्टेबल होने का प्रयास करोगे कभी सफल ही नहीं होगा, कभी स्टेबल नहीं हो सकते आप। किसी को देख लीजिए कोई व्यक्ति स्टेबल नहीं हुआ, यहां पे परेशान ही रहता है।
स्टेबल अगर होना चाहते हैं तो भक्ति करके स्टेबल होना चाहिए हमको। हमारी भक्ति की जो स्टेबल अवस्था है वह निष्ठा, तो वहां पहुंचना का प्रयास करना चाहिए। वह भी भागवत से हो जाते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो लोग, हाँ इंटरेस्टिंग है, जो लोग कर्मी हैं वो कहां तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम स्वर्ग तक, और जो ज्ञानी है वह भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो भक्त जानते हैं कि भगवान का शरण लेकर के हम मुक्त हो सकते हैं, ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के लीडर हैं वह है, बड़े उत्सुक हैं कि लोग शांति को प्राप्त हों, लेकिन वह ये नहीं जानते कि शांति का तरीका क्या है। शांति का तरीका यही कृष्ण कथा का प्रचार, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण नाम, तब जीव सुखी हो जाएगा। जूते वाला एग्जाम्पल किसी को याद है, शांति समझाइए। यस मुझे बताइए, जूता जो बाहर कंकड़ हो तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन अगर जूते के अंदर ही कंकड़ हो तो पैर में बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, जूता बढ़िया वाला पहना हुआ, बाहर कितने भी कंकड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। हृदय में भगवान है और काम करो इत्यादि नहीं है तो बड़े प्रसन्न रहेंगे, बाहर की परेशानी कितनी भी हो, लेकिन अगर हृदय में काम क्रोध भरा हुआ, कंकड़ भरे हुए हैं, तो बाहर कितना भी अच्छा सुखी नहीं हो सकते। और दिक्कत यह है कलयुग में ऐसे कंकड़ से भरे हुए जूते वाले बहुत लोग, कंकड़ क्या कांटे भरे हुए हैं लोगों के, और वो परेशानी रहते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हो। यस, खुद परेशान है इसलिए दूसरों को परेशान करते हैं, इज़न्ट इट। आप कहो कि भाई दोनों लोगों की लड़ाई हुई, क्यों? दोनों लोग बहुत प्रसन्न थे ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रसन्न हो और दूसरा व्यक्ति लड़ाई कर ले, वो भी नहीं हो सकता। दोनों लोग झगड़ा करने वाले होंगे तभी युद्ध हो सकता है, एक समझ रहे ना मेरी बात। तो ये जगत में इसी प्रकार से कलयुग में लोग परेशान है और ये समझ नहीं पा रही। बहुत ध्यानपूर्ण समझिए, जितना रजोगुण तमोगुण के संपर्क में हम रहेंगे उतना ही लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। स्पेशली रजोगुण और तमोगुण से क्या होगा, चेतना ढकी रहेगी, समझ नहीं आएगा कि भक्ति महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन कभी छूट सकता है, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे तो समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता है भक्ति करनी, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कह रहे हैं कि भाई शांति तो चाहते हैं, लेकिन जो शांति का मुख्य उपाय है कृष्ण कथा, उसको वो रोकते हैं। अभी भक्त हमारे गए एक जगह, एक हॉस्टल में प्रचार करने के लिए, तुमको बोला आप धर्म का प्रचार करने तो नहीं आए ना, इनको बोला कि आप धर्म का प्रचार करने तो नहीं आए, कहते नहीं नहीं मैं स्ट्रेस बटाने के लिए आया हूं। अब वो जान नहीं रहे हैं कि भाई स्ट्रेस मिटेगा कैसे, कृष्ण कथा सुन के मिटेगा। तो लोग धर्म के प्रचार से बड़ा डरते हैं, लोग सोचते हैं उग्रवादी बन जाएंगे धर्म सुनकर, ऐसा वो सोचते, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हाँ, और यहां तक कह रहे हैं कि लोग, ये जो लीडर हैं वो तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो बताओ। प्रभुपाद जी कई बार बोले राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, तो राम राज्य में से राम को डिलीट करोगे तो खाली राज्य मिलेगा और उसमें चोरी करेंगे लोग, तो यही बात इम्पोर्टेंट है। और फिर बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ये पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं जिसमें भगवान नहीं है, और हर पंचवर्षीय योजना को माया देवी विफल करने में बहुत एक्सपर्ट है, जानती सारी विफल हो जाएंगी एक से एक। अब देखो भारत अच्छा खासा था, जितनी योजना बन रही है उससे डिस्टर्बेंस ही हो रहा है, जितनी योजना बन रही है कि हम प्रगति करेंगे कोई प्रगति नहीं हो रही है। जो अब देखिए हवा खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, खाना खराब हो रहा है, खराब ही खराब हो रहा है, कोई प्रगति हो रही है? और लोग और असंतुष्ट हो जा रहे। और उसको और अद्भुत बात यह है कि लीडर समझ नहीं सकता कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो जितना प्लान बनाएगा वो डिस्टर्ब ही करेगा। इसीलिए पहले राजा लोगों के ब्राह्मण क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, मंत्री जो सही मंत्रणा दे सके, भाई शास्त्र के अनुसार चलो, ये शास्त्र कहता ऐसा करो। प्रभुपाद जी कितनी बार उस बात का खंडन करते हैं, मतलब निंदा करते हैं कि आप जानवरों को मार रहे हो तो इंसान कैसे सुखी रह सकता है, स्पेशली गायों को मार रहे हो तो कैसे सुखी रह सकता है, इतना पाप कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी लास्ट में इसको सोल्यूशन बता रहे हैं, बहुत अच्छा, कि अगर हम वाकई शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझना होगा और उनका गुणगान करना होगा, और उसके द्वारा ही समाज में शांति आ सकती है। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदरता है कि भागवतम को प्रेजेंट डे से कंटेक्स्ट के कंटेक्स्ट में जोड़ देते हैं,
पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बोला है उसको आजकल के समाज के लोगों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, यह प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष मतलब क्वालिटी है, तो इसलिए बहुत रिलेट कर पाते हैं। अब आप ये बताइए कि भागवतम को सुन करके आजकल के समाज में कैसे शांति प्राप्त हो जाएगी, उत्तर बताइए। माइक भी बताइए, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। किसने पता क्वेश्चन क्या? धन्य क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि भागवतम को सुन करके पढ़ करके समाज में शांति कैसे आ जाएगी? जब लोग भागवतम सुनेंगे तो उनके हृदय से काम क्रोध लोभ चला जाएगा, तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। yes. तो लोग एक दूसरे को प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे, तो ऑटोमेटिक शांति yes. हो जाएगी। और इसके भगवान के यश को सुने बिना लोगों के हृदय से काम क्रोध जाने वाला नहीं। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट? यस, इसी का प्रभु जी एक और इन एडिशन मतलब इसका एक और जवाब है कि जब सब लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो पिता हैं वो कृष्ण हैं, हाँ, और हम सब भाई हैं, यस, तो विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो भावना आ सकती है, और इसमें कृष्ण को केंद्र में रख के ही किया जा सकता है। अगर आप देखो बहुत सिंपल तरीके से, हमारे मंदिर में हर व्यक्ति या प्राय सभी व्यक्ति अपना टिफिन भर के नहीं लेके जाते, जिसने जितना खाया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको तो जरूरत है खाने की। अब सोचो मान लो आपको टिफिन भरना है, आप खाने चार रोटी, आप लेके जाओ 40 रोटी, तब दिक्कत आएगी ना किसी की? तो आप मान लो चार रोटी चाहते हो तो चार रोटी लेके जाओ। यही ईशा भाष्य का प्रिंसिपल है। चिड़ियों के समाज में क्यों प्रॉब्लम नहीं आती? एक दिन का दाना चाहिए, दिन दाना खाना लेके चले जाते हैं। और भारत इंसान कोई आएगा तो एक दाना नहीं लेगा, खुद भी खाएगा, पूरा बोरी भर के ले जाएगा और उसको दबा देगा, ये प्रॉब्लम है। तो प्रकृति तो ये जो है इसलिए है क्योंकि वह भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। और भक्त क्या सोचता है, मेरा जितना जीवन के लिए चाहिए उतना मैंने ग्रहण किया, बाकी मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट मतलब इकट्ठा करने की जो भावना है उससे व्यक्ति रहित रहे। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे।